हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल के रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ, मैं ये सरहंद डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब में खड़ा हूँ। और जो मेरे सामने रोड है जो चंडीगढ़ को जा रही है, एक रोड पटियाले को चली जाएगी और एक लुधियाना को चली जाएगी। यदि हम राइट हैंड को मुड़ जाएं, वो जेसीएस पावर सेवियर स्कूल लिखा है, ये लिंकन कॉलेज और बड़े बड़े जो स्कूल हैं यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो सामने बसें खड़ी हैं, ये भी यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है। और मेरे लेफ्ट साइड पे संधू हॉस्पिटल है और इसके आगे सिद्धू रेस्टोरेंट है। मतलब बहुत ही बढ़िया रेट में प्रॉपर्टी है ये, और मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी है। जो रेट जिस रेट में ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ये समझो कि आप ये प्रॉपर्टी रेट जीरो और प्रॉपर्टी हीरो वाले सेगमेंट में पूरे तरीके से उतरती है। इस ये आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर है। और इसको जो मतलब तिरछा प्लॉट का हमारा फ्रंट है वो 181 फुट है। यदि हम इसको राइट एंगल में लें तो 151 फुट फ्रंट है, 151 फुट फ्रंट है। और पीछे सारी ज़मीन में चारदीवारी हो रही है, कोई कब्जे का लफड़ा नहीं है, कोई और किसी चीज़ का लफड़ा नहीं। बहुत ही बढ़िया, आप जो भी चाहो इसको उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये हर एंगल से, जो आप CLU इसका कराना है CLU भी हो सकता है, इसका नगर पालिका जो है वो भी इसका CLU कर सकती है, म्यूनसिपल कमेटी भी कर सकती है। और यदि आपने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग से करवाना है वो भी इसका CLU कर देंगे। इसमें कमर्शियल यदि आप काट लेते हो तो डेफिनेटली इसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4 गुना पैसे होने वाले हैं। यदि ये प्रॉपर्टी आप इसको लेके मैनेज कर लो, इसका CLU करवा लोगे और किसी तरीके से इसमें मतलब एक नंबर में बेचना है, इसको दो नंबर में नहीं बेचना। दो नंबर का मतलब अनऑथोराइज्ड में नहीं बेचना। यदि आप एक नंबर में बेच सकते हो, ऑथोराइज करके बेच सकते हो, अप्रूव करा के बेच सकते हो, तो ये आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है। और सरहंद अमृतसर रोड जो है यहाँ से, या दिल्ली अमृतसर रोड है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। यदि आप इस प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लोगे, इसको मैनेज कर लोगे, तो डेफिनेटली आप जितना इसमें मतलब गुड़ डाल लोगे उससे ज़्यादा मीठा देगा ये। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो मैं अभी आपको चौक दिखाने वाला हूँ, चौक दिखा के लाता हूँ। तो हम अब इस चौक में आ गए हैं, जहाँ मेरी लेफ्ट साइड सरहंद को ज्योति स्वरूप साहब गुरुद्वारा है, इधर चले जाता है, और सारे बड़े स्कूल इधर ही हैं। अभी आपको इसका जो स्कूल का मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा। और मेरे राइट साइड पे ये पटियाला को रोड जा रही है, और जो अमृतसर दिल्ली रोड है वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। जो यहाँ पर रेलवे अंडर ब्रिज बनना था वो बन चुका है, तैयार हो रहा है, फाइनल टच पे है। जिस दिन ये ट्रैफिक इस तरफ जाना शुरू हो गया, तो पूरा पटियाला का, बठिंडा का सारा ट्रैफिक इस रोड से आएगा। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो शोरूमों के बीच में पड़ी है, और यहाँ से सिर्फ 100 गज पीछे है, 200-250 फुट पीछे है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कूल है सेंट, ये जेसस सेवियर स्कूल है। और ये देखो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, बन रहे हैं, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले टाइम में इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, इसमें पछताने वाली कोई बात नहीं रहेगी। यदि आप ये प्रॉपर्टी के ऊपर फैसला कर लेते हो, लेने के लिए फैसला कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी। हाँ दोस्तों, मेरे साइड पे रंगी इनक्लेव है यहाँ पर, और ये चौक वो दोबारे फिर आ गया जहाँ पर मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी। और ये राइट हैंड को पटियाला, जो मेरी बैक साइड पे है ये लुधियाना, और लेफ्ट हैंड को जो सरहंद, और जो हम सीधा जा रहे हैं ये चंडीगढ़। बस ये प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू होगी अपनी, तो ये प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड पे, मैं कहता हूँ जूम करके, बस ये यहीं एक मिनट रोके, ये जो चारदीवारी के अंदर प्रॉपर्टी है। और इसके चलो जी, इसके आगे जो ये संधू हॉस्पिटल इसके साथ है, और उसके बाद सिद्धू रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर किसी समय मार्केट कटी थी पहले, तो उन्होंने मार्केट में ही सिद्धू रेस्टोरेंट जो बनाया है, ये सिद्धू रेस्टोरेंट मार्केट का ही उपज है। और यहाँ पर SS सिटी कॉलोनी है, जो पीछे अपने पिछले बस पिछली तरफ ये कॉलोनी है। ये देखो, आप देख सकते हो कि कितनी कारें खड़ी हैं, सिद्धू रेस्टोरेंट कितना चलता है। तो ये SS सिटी आ गई है, ये बोर्ड दिख रहा है SS सिटी,
ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये उसकी मार्केट आ गई है और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं। तो आप ये गुरुद्वारा भी है इधर राइट हैंड पे, तो बिल्कुल इसके पास ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत एक वरदान साबित होगी। सिर्फ ज़रूरत है ये आपको फैसला लेने की, आपको डिसीजन लेना है, जिस आपने इनिशिएटिव लेना है। जिस दिन आप इसमें डिसीजन लेना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आप, हाँ एक ये एक चीज़ और, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड, देखो इधर राइट हैंड पे जहाँ इतने कारें खड़ी, गवर्नमेंट बी के लैंड, ये सारी की सारी कमर्शियल बेल्ट आ गई है यहाँ पर, जो अपनी प्रॉपर्टी से सिर्फ 300 गज दूर है। तो मतलब बेस्ट प्रॉपर्टी साबित होने वाली है। संधू ढाबा, संधू पेट्रोल पंप इसके साथ है। हाँ दोस्तों, हम यहाँ सरहंद की मार्केट में खड़े हैं और ये वो जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है। और ये आप देखो मेरे जो सामने है बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये उस प्रॉपर्टी से लगभग 1 किलोमीटर है। और ये सारी की सारी मार्केट है जो पूरी आप देख सकते हो, इसमें 500-600 दुकान हैं, ये दुकानें बनी हुई है, सारी सारी हो चुकी है। और मेरे लेफ्ट साइड पे गुरुद्वारा साहब ज्योति स्वरूप साहब है, जहाँ बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे थे 7 और 9 साल के, जहाँ पर उनका संस्कार किया गया था दीवान टोडरमल जी ने। ये जो ज़मीन है सबसे महंगी, वर्ल्ड की सबसे महंगी ज़मीन, सोने की मोहरें खड़ी करके ये ज़मीन खरीदी थी सिर्फ बच्चों का, गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का संस्कार करने के लिए। मतलब हम बहुत ही अच्छी जगह पर खड़े हैं, और जहाँ पर बच्चे शहीद किए गए थे वो भी यहाँ से, ये सामने बसी रोड आएगा, बसी रोड से सिर्फ 0.5 किलोमीटर आगे, ये यदि हम इसको मेरे राइट हैंड को मुड़ेंगे तो सिर्फ 0.5 किलोमीटर जाके वो बड़ा गुरुद्वारा भी इसके पास ही है। और ये मार्केट पूरी तरह से डिवेल्प हो चुकी है, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब यहाँ पास है, और मैं अभी आपको गाड़ी में से भी दिखाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। तो लिंकर कॉलेज रोड को मुड़ रहे हैं, तो ये मार्केट जो है काफ़ी बड़ी मार्केट है, और ये मेरे देखते देखते यहाँ पर डिवेल्प हुई है। बहुत अच्छा इसमें व्यू बनता है, और ये जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज चर्चा चल रही है वो प्रॉपर्टी इससे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सिर्फ कार में मेरा ख्याल 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है पूरी आबादी में प्रॉपर्टी है, और पूरी मार्केट डिवेल्प होने वाली है, मार्केट डिवेल्प हो रही है। ये देखो आप देख सकते हो ये दुकानें, कितनी दुकानें, इकट्ठी दुकानें बन गई हैं ये सारी। और ये लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो कितने बड़े घर बने हुए हैं, ये सारा ये जो सिस्टम है हमारे। सो मतलब किसी भी एंगल से आप देख लोगे ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही फायदा देने वाली प्रॉपर्टी है, और आप याद करोगे कि किसी ने ये प्रॉपर्टी हमें रिकमेंड की थी, और हमने, हमें खरीदने के लिए किसी ने मोटिवेट किया, परसुएड किया, सुजेस्ट किया, और आज 1-2 साल बाद आप कहोगे कि हम बहुत ही अच्छे मतलब इसमें प्रॉपर्टी में लाभ ले सके हैं, या अपने तरीके का कोई बिजनेस डेवलप कर सके हैं। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड पे फिर अभी देखना, अपने लेफ्ट हैंड पे फिर आ गई हैं, ये बिल्डिंगें बन रही हैं, और राइट हैंड पे ये कॉलोनी है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। तो आप इसको देख सकते हो, हर एंगल से बढ़िया है प्रॉपर्टी है यार ये। फिर चौंक पे हम आ गए हैं, लेफ्ट हैंड को चंडीगढ़ और राइट हैंड को लुधियाना, और सीधा सीधा पटियाला, पटियाला वाली रोड है जो, ये लुधियाना को भी चली जाएगी राइट हैंड को लेके, और ये राइट हैंड वाली है ये तो लुधियाना जा ही रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें पटियाला, संगरूर, बठिंडा, नाभा, मलेरकोटला, इसके ऊपर इन्होंने मैंशन किया हुआ है। पटियाला 29 किलोमीटर है यहाँ से सिर्फ, ठीक है आप देख सकते हो। और राइट हैंड पे दिल्ली के लिए, और सरहंद शहर राइट हैंड पे है, तो बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी की वर्थ है, ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो इसको। हाँ आप ये देखो, वो सामने बोर्ड लगा मोहाली, और राइट हैंड पे अम्बाला, मोहाली मतलब, मोहाली का मतलब चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, ये रोड सीधी चंडीगढ़ को जाके उसी चौक में, यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही है, 1 किलोमीटर के बाद वो जो रोड है, जो चौक जो आपको दिखाया है, वो चौक पे हम चले जाएंगे, और चौक के बिल्कुल बीच में ही वो प्रॉपर्टी है जो दिल्ली से अमृतसर को जा रही है। और ये सामने बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो उजाड़ में हो, या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको बेचनी मुश्किल हो जाए। आप
जिस दिन ये प्रॉपर्टी लेके डेवलप कर लोगे, एक अनार 100 बीमार वाला काम हो सकता है इसमें। हाँ दोस्तों, ये सामने मेरे लेफ्ट हैंड पे जो वो पुल है, वो रेलवे यहाँ सरहंद का रेलवे स्टेशन है। तो मतलब यहाँ से जो प्रॉपर्टी है मेरी राइट हैंड पे है, सिर्फ आधा किलोमीटर, और आधा किलोमीटर ही रेलवे स्टेशन है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, 1 या 1.25 किलोमीटर के आसपास इसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन बनती है। जो प्रॉपर्टी आज आपको दिखाई है रेलवे स्टेशन सरहंद से लेके, और बस स्टैंड भी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा, 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा। तो हम अब खड़े हैं पुराना जो पटियाला और सरहंद रोड पे खड़े हैं, जो पटियाले से पहले रोड आती थी, और जो रेलवे अंडरब्रिज दिखाया वो नया पुल जो चालू किया, नई रोड चालू की है, ताकि ट्रैफिक जो डाइवर्ट हो सके, यहाँ पर कभी जाम ना लगे। तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी आपके लिए साबित होगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो से आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे और जिंदगी में खुशहाली, प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली, जो मेरी किताब का टाइटल है, उसकी तरफ बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।